अभी भी काफी लोगों को स्नैपचैट के ऊपर भैया जी माय एआई का ऑप्शन जो है, फीचर जो है, वो अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे में काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस वगैरह करके कहा कि भैया जी अभी तक मुझे स्नैपचैट के ऊपर जो है वो माय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन, माय एआई का ऑप्शन जो है वो नहीं मिला। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो और कैसे आप ये फीचर ले सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ दो मिनट के अंदर। तो जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल को। चलो भाई जो है तो आ चुका मैं मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि भैया जी आपको आपके भाई की वीडियोज वगैरह जो है वो कैसी लगती है, और भैया जी एक थम्स अप तो बनता है जल्दी से जल्दी। तो ऐसे में आपको भी अगर भैया जी स्नैपचैट के ऊपर जो है वो माय एआई का ऑप्शन जो है वो अभी तक नहीं मिला, तो इसके दो से तीन स्टेप्स हैं जो कि भैया जी आप ये भी वीडियो जाकर मेरी देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एआई का ऑप्शन जो है वो ले सकते हो, फीचर जो है वो स्नैपचैट के ऊपर ले सकते हो, और इसे कैसे इस्तेमाल करना सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया मैंने, वो जाकर आप देख सकते हो। लेकिन भैया जी अगर आपको फीचर ही नहीं मिला तो कैसे हासिल करना है, इसी वीडियो पर रहो। अब आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो भैया जी चले जाना अपने मोबाइल के सेटिंग्स के अंदर। मोबाइल के सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहां पर आपने चले जाना जनरल्स के अंदर। अगर तो भैया जी आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशंस के अंदर चले जाना। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ऐप्स के अंदर चले जाना। ऐप्स के अंदर जाने के बाद भैया जी सिंपली जो है वो आपने स्नैपचैट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप स्नैपचैट को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपने सिंपली जो है वो भैया जी स्टोरेज के अंदर आ जाना। स्टोरेज के अंदर आने के बाद क्लियर कैशेस करनी है, ठीक है, क्लियर कैशेस करनी है और कुछ नहीं करना, डाटा शेटा ना करना, बाद में ना मुझे कहना। अब आपने सिंपली जो है अगर तो आईफोन यूज़र है तो आपने सिंपली आई स्टोरेज के अंदर आके स्नैपचैट के ऊपर क्लिक करके ऑफलोड ऐप कर देना, ठीक है। ये सबसे हो गया पहला तरीका। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो दूसरे तरीके के ऊपर चले जाना। दूसरा तरीका क्या है, अगर तो भैया जी आप जो है इस टाइम वाईफाई के ऊपर ये प्रोसेस कर रहे हो तो सिंपली आपने सिंपली भैया जी चले जाना है अपने मोबाइल डाटा के ऊपर। मोबाइल डाटा के ऊपर जो है वो स्विच कर देना है और उसके बाद आ जाना है तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप क्या है, आपने सिंपली भैया जी चले जाना है ऐप स्टोर के अंदर। ऐप स्टोर के अंदर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सर्च के अंदर जाकर जो है वो स्नैपचैट देखना है, ठीक है। स्नैपचैट के ऊपर आ गए हम, ठीक है। यहाँ पर आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका स्नैपचैट जो है वो अप टू डेट है। अगर अप टू डेट नहीं है तो मेक श्योर आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को जो है वो अपडेट कर ले। अपडेट करने के बाद आपने सिंपली करना कि आ जाना है अपने स्नैपचैट के अंदर। स्नैपचैट के अंदर आने के बाद चले जाना है चैट्स के अंदर और देखना है माई ए आई का ऑप्शन जो है वो मिला कि नहीं मिला। अगर तो नहीं मिला तो सिंपली आपने फिर से जो है वो भैया जी आ जाना है अपने स्नैपचैट की प्रोफाइल के ऊपर, सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो है वो सिंपली सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर फीडबैक के अंदर जो है वो आपको मिलेगा एक ऑप्शन शेक टू रिपोर्ट। आपने सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर शेक टू रिपोर्ट आपका डिसेबल हुआ होगा, आपने सिंपली जो है अनेबल कर लेना और उसके बाद फिर से वापस आ जाना, ठीक है। वापस आके चैट्स के ऊपर आ जाना। चैट्स के ऊपर आने के बाद उसके बाद सिंपली आपने ऐसे शेक करना है, ठीक है, और आपके पास ऐसा पॉपअप मैसेज जो है शेक टू रिपोर्ट वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली रिपोर्ट आ बग के ऊपर क्लिक करना और ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपके उस पार्ट का खुद ब खुद ले लेगा जहां पर जाकर आपने शेक किया होगा, ठीक है, अपना मोबाइल ऐसे ऐसे करके किया होगा वहां पर ये खुद आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा। और उसके बाद सिंपली आपने यहां पर आ रहा है चूज टॉपिक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर अगर तो आपको माय एआई का ऑप्शन मिल रहा है तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली सबसे नीचे आना है, ठीक है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अदर्स प्लीज डिस्क्राइब। आपने सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर एक जो है पैरा वो आपने पेस्ट कर देना है, वो क्या है वो देख लेते हैं। आपने सिंपली जो है ये एक पैरा लिख देना और इनको जो है वो सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपने सिंपली भैया जी 24 आवर्स के लिए इंतज़ार करना है, 24 घंटों के लिए इंतज़ार करना है, आपको माय एआई का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देखा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक ले चाहता सब लोगों से इजाजत, गुड बाय।